तो सबसे पहले मैम हमें आप बता दीजिए ट्रांजिशन क्या है और इसके साथ मिस लूने के साथ इनका क्या काम होगा और ये जो आगे तक के जो मॉडल्स रहते हैं उनका उनके लिए क्या बड़ा योगदान करेंगे। ओके सबसे पहले तो हार्टफुल थैंक्स टू मिस लूना टीम और ऑल्सो जो हम लोग का सोलोंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फॉर हैविंग मी ऑन द यू नो फॉर द इवेंट एज अ मेन ग्रूमर। तो ये चीज़ के लिए आई एम वेरी थैंकफुल एंड ऑल्सो वेन इट कम्स टू ट्रांजिशन हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफिंग्स दे देगा। मेनी पीपल माइट नॉट नो कि हाँ वहाँ पे एक स्टेशन है जहाँ पे हम लोग पेजेंट ग्रूमिंग कर सकते हैं करके बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गया ना जैसे अरुणाचल में या पासीघाट में ले लो इतना सारा एस्पायरेंट्स लोग है लेकिन वो लोग कहाँ जाना है कहाँ से ट्रेन करना है वो पता नहीं होता राइट। सो ऐसे ही चीज़ हम भी बहुत सारा फेस करके आया था ड्यूरिंग माई टाइम। तो हम सोचे कि चलो ठीक है लेट मी फाइंड आउट या क्रिएट अ स्पेस वेयर यू नो देर आर लाइक सो मेनी एस्पायरेंट्स जिसको हम एक रूफ दे सकेगा। सो ट्रांजिशन इज दैट। तो ट्रांजन इज़ बेसिकली अ ग्रूमिंग स्पेस जो वर्कशॉप बेसिस पे काम करता है। सो यहाँ पे हम लोग आप लोग का जितना भी पेजेंट का आपका स्टाइलिंग हो गया आपका पोजेस हो गया आपका जो जितना भी पेजेंट्री का आपका स्टेज प्रेजेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जितना भी होता है सबका ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है एट द सेम टाइम इसका सबसे मेन मोटिव है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिकॉज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब तक आपका नहीं होगा एनहेंस तब तक आई गेस आपका जितना भी जो भी टाइप का ग्रूमिंग डेट आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा यू नो टू बेनिफिट योरसेल्फ। तो वो चीज़ है। सो ट्रांजन इज वही है बेसिकली एक वर्क स्पेस है जहाँ पे आप जितना भी पेजेंट्री एस्पायरेंस है या जो कॉरपोरेट लेवल का आप इंटरव्यूज़ वगैरह ये देना चाहता है तो आप कैसे प्रेजेंट करेगा आपका बॉडी लैंग्वेजेस कैसा कैसा होना पड़ेगा उसके लिए भी ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है कोर्सेस। एट द सेम टाइम आपका जितना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है सो जो आपका रेगुलर बेसिस में काम करता है मतलब डेली लाइफ में जो जो नीड होता है ना तो आपका जैसे बॉडी लैंग्वेज कैसा होना पड़ेगा आपका स्माइल कितना हद तक मतलब यू नो आदमी को क्रीपी लग सकता है और कितना हद तक आपको अट्रैक्टिव लग सकता है ऑल ऑफ दोस। सो या और अगर कोई इस पर एनरोल करना चाहे तो कैसे करें। इट्स अ वर्कशॉप बेसिस इसमें फंक्शन ऐसा है वर्कशॉप बेसिस में है सो
प्रोबेबली आपको हमेशा अभी तक जब तक ये स्टार्टिंग ये इसमें है स्टेज में है सो अभी का जो स्टेज में आपका जस्ट मंथली बेसिस में आप हमेशा इंस्टाग्राम में एक्टिव होना पड़ेगा. सो अगर कुछ वर्कशॉप आ रहा है बोलने से इट विल टेक मे बी 12 to 15 days का कोर्स अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपको नोटिफाई किया जाएगा इंस्टाग्राम में तो उसी समय आप एनरोल कर सकते हैं. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. और अगर जो मिस लूना जो विनर रहेगा अगर वो मिलेगा तो ट्रांसन की तरफ से कुछ. यस तो कमिंग बैक टू लूना तो जैसा हम बोला था कि हमको अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे सी एक्चुअली क्या है कि मेरा जो जर्नी है तो यहाँ 2019 से मेरा जर्नी जो वहाँ एज अ मिस लूना शुरू हुआ था. उसके बाद हमको जैसे ही मेरा विंडो ओपन हुआ उसके बाद हमको जाके मिला है मिस अरुणाचल. तो मिस अरुणाचल में भी बाय गॉड्स ग्रेस मतलब अपना एफर्ट से क्रैक किया. उसके बाद अभी मिस लूना का साथ क्या है कि मिस लूना जैसे ही क्रैक हुआ उसके बाद सेकेंड अप्रोच हमको जो आया वो एज अ चेयरमैन आया ना. तो एज अ चेयरमैन होके हम 2022 मिस लूना का वाला को सक्सेसफुली करा दिया था. एंड नाउ थर्ड टाइम हम जब मिस लूना का साथ आया है तो एज अ पेरेंट आई मीन ये मेरा बेबी है मेरा बच्चा है ट्रांसजेंड जो सो एज अ फाउंडर ऑफ ट्रांसजेंड आज हम यहाँ में खड़ा कर रहे हैं. सो आई थिंक मिस लूना का साथ मेरा कनेक्शन बहुत समय से था एंड बहुत साल से था एंड आई फील ग्लैड कि मेरा जो ट्रांसजेंड का फर्स्ट स्टेप है यह भी मिस लूना से शुरू हो रहा है एंड आई होप सो कि लाइक ये भी आगे जाके बहुत बड़ा होगा. सो इसीलिए ये मद्देनज़र रखते हुए आई वॉन्ट टू रियली गिव बैक टू मिस लूना कि मेरा साइड से हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं. तो मेरा साइड से मेरा ऑफ़र यही है कि इस बार का जो मिस लूना का विनर है जो टॉप 3 हैं उसको हम ट्रांसजेंड में 1 week के लिए अगर वो लोग परस्यू करना चाहता है आगे पेजेंट को लेके मिस लूना करने के बाद अगर वो लोग मिस अरुणाचल हो या दूसरा जो भी प्लेटफॉर्म्स है उसको करना चाहता है तो दे कैन कम एंड ग्रूम विथ मी. हम वो लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रूमिंग करेगा फॉर 1 week. थैंक यू. ओके हेलो एवरीवन मेरा नाम अमोनी देरो है बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. सो मैं मिस लूना का कोऑर्डिनेटर कम ऑडिशन इंचार्ज. मैम आज का जो प्रोग्राम था जो वो मेगा ऑडिशन का था तो वो कैसा रहा? वैसे पासीघाट में बहुत ही क्राउड होता है जब भी मिस लूना का इवेंट होता है तो आज भी ऐसा हमें देखने को मिला. हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑडिशन करके आज हम लोग यहाँ पे मेगा ऑडिशन के लिए आए तो इतने सारे कंटेस्टेंट अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वाला को चूज़ करूँ. तो हमारा सारे 50-40 जो कंटेस्टेंट में से हम लोग टॉप 20 को फिल्ट आउट करना है तो वी आर कन्फ्यूज राइट नाउ कि इतने सारे अच्छे अच्छे हैं जो आज का कंटेस्टेंट्स था तो हम लोग के हिसाब से आप लोग का जो क्राइटेरिया था उसको जो रीच आउट किया बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर था. एवरीवन वाज वो लोग मतलब ऐसे था कि उन लोग पहले से ही मतलब 2-3 महीने से प्रिपेयर थे प्रिपेयर करते हुए आए हैं. सो आज उन लोगों का वॉक से लेकर हमको तो ऐसा लगता है कि जो हमारा ग्रूमर होगा जो हमारा कोरियोग्राफर होगा उसको इस बार थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोग इतने प्रिपेयर्ड होके आए हैं आज के ऑडिशन के लिए स्पेशली आज के ऑडिशन के लिए. आज के पूरे इवेंट में ट्रांसन का नाम बहुत लिया गया तो लूना और ट्रांसन के बीच का या मैं ये चीज़ बताना बिल्कुल नहीं चाहूँगी. ये ट्रांसजेंड है हमारा इसका जो ओनर है वो हमारा मिस लूना का 2024 मिस लूना 2024 का ऑफिशियल ग्रूमर और कोरियोग्राफर है. और मिस तोगमम मेगू मैम जो है पहले भी मिस लूना रह चुके हैं मिस अरुणाचल रह चुके तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेट है. तो हम कोशिश ने हमारा यही मतलब मोटिव है कि हम जो भी विनर होंगे जिनको हम लोग आगे लेके जाने आगे प्लेटफॉर्म लेके जाने मैम के हेल्प के और मैम के गाइडेंस के थ्रू ही हम लोग लेकर जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए एंड वी आर ग्लैड टू हैव हर विद हिम विद अस.